हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पालक राइस। खाने में ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और बनाने के लिए भी ये बहुत आसान होता है। फिर चलिए देखते हैं कि पालक राइस कैसे बनाते हैं। पालक राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जीरा और मोरी लिया है, एक स्पून हल्दी, कोथिंबीर कट करके लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधा वाटी तेल, दालचीनी, स्टार एनिस, लहसुन, एक नींबू, थोड़ा सा अदरक, ग्रीन चिल्ली और पालक। गैस के ऊपर पैन रखती हूँ। पैन गरम होने के बाद पानी डालती हूँ। पानी गरम होने के बाद पालक को डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे। पालक बॉईल हो चुका है, एक प्लेट में निकालती हूँ। अब हम मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। पहले हम पालक को डालेंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो चुका है। गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डालेंगे। जीरा और मोरी डालती हूँ। कड़ी पत्ता, दालचीनी, स्टार एनिस डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। बारीक किए हुए पालक को डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। ऊपर से हल्दी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने साइड में राइस बना के रखी थी, इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कोथिंबीर डालेंगे, ऊपर से नींबू डालेंगे। पालक राइस बनकर रेडी है। अगर आपको पालक राइस अच्छा लगा तो घर में एक बार जरूर ट्राई करें। साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।